गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग शिफाली, गुड इवनिंग भावना। मैं थोड़ा सा नेट का इशू था, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना साउंड। साउंड में अपन को जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलेंगे सेशन के लास्ट में। स्टार्टिंग में साउंड की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, साउंड वेव क्या होती है, यानी साउंड वेव बनती कैसे है, मैकेनिकल वेव है या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो साउंड को स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम रजत पारे के जनरल साइंस मेंटोर। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन थ्री इयर्स एंड आई क्रैक सम एग्जाम्स लाइक एसएससी सीपीयू 2016, रेलवेज एएलपी 2018 और एसबीआई क्लर्क प्री 2018। ओके, इधर टॉपिक बातें हैं, देखते हैं साउंड से स्टार्ट करते डायरेक्ट। देखिए, साउंड पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है, तरंग। ठीक है ना, जल्दी से इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। वेव एक डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विदाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, यानी किसी भी चीज के जो कण होते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब बने किससे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बने होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण जो होते हैं, ये जब डिस्टर्ब होते हैं, इनको स्ट्राइक किया जाता है, इनको मारा जाता है, छेड़ा जाता है, तब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। वही डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे होता है, उसके ऊपर जो एयर होती है, कणों के ऊपर जो एयर होती है, वो एयर इसको एक शेप दे देती है ऐसे करके, तो ये वेव बन जाती है। ये डिस्टर्ब हुई एयर और एयर कणों को लेके एक वेव की शेप में कन्वर्ट हो गई, दिस इज वेव। ये वेव होता है, ठीक है, ये सिंपल सी चीज। टाइप्स ऑफ वेव्स में जो आपको पढ़ना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स में आपको जो पढ़ना है वो है मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैकेनिकल वेव्स यानी दो तरह की होती है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आपको मैंने लास्ट सेशन में कई बार डिस्कस किया है, आज और कर लेंगे। लेट्स सी, देखते हैं पहले ये वेव्स होती क्या है जल्दी से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी वेव्स होती है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, यानी वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, हर जगह पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं से वेव क्रिएट होती है, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ऐसा ही है, या फिर ऐसा बोल लो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेकिन ये पार्टिकल्स भी ऐसे ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। जहां डिस्टर्बेंस जा रहा है वहीं पार्टिकल्स जाते हैं, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, वेव्स जो स्प्रिंग पे होती है, साउंड वेव्स इनसे परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेंगे, जब पार्टिकल्स ऊपर नीचे इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे, ये भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है ना, बट ये पैरेलल है किसके, मोशन ऑफ द वेव के, ये परपेंडिकुलर है मोशन ऑफ द वेव के। जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, वीडियो रुक रहा है, ठीक है हाँ ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ये उनकी क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो इस तरह की वेव्स जो होती हैं उनके क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यानी इस डायरेक्शन में, उससे परपेंडिकुलर मोशन में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो बनाती है ट्रांसवर्स वेव, और जब पैरेलल मूव करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, दीपिका तुम्हारी बात का मैं कोई जवाब क्या दूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। चार हो पांच हो तो आप जो 4000 वाले हैं उनमें ही बैठना पसंद करते हो तो आप बैठ सकते हो, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ किसी को यार। ठीक है, मेरे पास चार हैं, मैं चार को ही 4000 समझ के पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, बस मुझे इतना आता है। ओके, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स अंडर टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग्स देखो, स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स दोनों में फर्क है। जो स्प्रिंग होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है हाँ, और जो स्ट्रिंग्स होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी होती है, ट्रांसवर्स। एग्जाम्पल देख लेना,
अब जो पानी का सरफेस होता है वाटर का, वो सरफेस ऑफ द वाटर पे जो वेव्स क्रिएट होती है, यानी पानी जा पानी पानी है, तालाब है या फिर कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी नदी है, उस पर अगर आप पत्थर मारते हैं तो जिस तरह से वेव्स क्रिएट होती हैं, वो वेव्स भी कौन सा मोशन प्रोपोगेट करती हैं, कौन सा मोशन में मूव करती हैं, ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है। स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जो होती है, ध्वनि वाली तरंगें, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और स्ट्रिंग जो होती है वो ट्रांसवर्स, और जो वाटर का सरफेस होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सो मच भावना, शेफाली, थैंक यू। आप कॉन्फिडेंस मोटिवेशन दे रहे हो मुझे ये सब बोल के, और गॉड ब्लेस यू। अच्छा बोलने से किसी का कुछ कम नहीं होता, ये बात आप जानते हो, इसलिए आप अच्छा बोल रहे हो, ठीक है? आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे, मैं आपको आपसे भी ज्यादा अच्छा बोलूंगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट पे आ जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ईएम वेव्स, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसके बारे में अपन को एग्जैक्टली पढ़ना क्या चाहिए, इसमें क्वेश्चन बनता कैसे एसएससी के अंदर, ओके? देखिए क्वेश्चन देखिए, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, जिनमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव में, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को माध्यम नहीं चाहिए होता है, यानी कि वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है, चल लेती है। अब इनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, है ना? डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वेव्स होती है जो जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जो गामा रे होती है वो भी मीडियम रिक्वायर नहीं करती, उसको माध्यम नहीं चाहिए होता, एक्सरे को भी नहीं चाहिए होता, यूवी को नहीं चाहिए होता, विजिबल को, इंफ्रारेड को, और रेडियो वेव्स को, और रेडियो वेव्स लॉन्ग एंड शॉर्ट दो तरीके की होती है। मैंने आपको बताया था कल, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, बीच में माइक्रो डाल देना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, 3×10^8 m/s, इस स्पीड से ट्रेवल करती हैं, जो मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं करती, ठीक है? हाँ ठीक है, तो ये यहां से यहां तक इनका जो लेमडा है, वेवलेंथ है, वो इंक्रीज होता है, और फ्रीक्वेंसी इनकी घटती है, लास्ट में होती है रेडियो। तो यहाँ पे जो लिखा है एक बार देख लीजिए, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, जो यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तरंगे दो प्रकार की बताई हैं, यांत्रिक मैकेनिकल और विद्युत चुंबकीय, दो तरह की सिर्फ, ठीक है? एक लाइन और देख लीजिए, दीज वेव्स प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैंने आपको बताया इस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, किसमें? वैक्यूम में, जहां पे माध्यम नहीं होता है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑल आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आप यहां से नीचे आओगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो घटती है, और लैम्डा जो होता है वो बढ़ता है, वेवलेंथ, क्योंकि जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ये एक कंसेप्ट है, और ये जो सात लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से 6 और 7 एक ही बात है, इसको आप बिल्कुल रट लेना, गामा, एक्स, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, बीच में माइक्रो डाल लेना, एक इंफ्रारेड के बाद बीच में अगर माइक्रो पूछता है तो डाल लेना, और फ्रीक्वेंसी के रूप में कैसे बढ़ती हैं, कैसे घटती हैं, और लैम्डा के रूप में कैसे घटती हैं, ये घटत और बढ़त पता कैसे चलती है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, जब लैम्डा सबसे ज्यादा होता है तब म्यू सबसे कम होती है, ठीक है ना? इस हिसाब से, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी वेव्स ऐसी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसीडर नहीं करी जाती है, है ना? तो वो सब मैकेनिकल वेव्स होती है। कैसी होती है? यांत्रिक तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना? अब इनमें भी कुछ हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य, और कुछ हो सकती है ट्रांसवर्स, ठीक है ना? दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती है, सिंपल। कैथोड रेज, याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जे.जे. थॉमसन ने की थी, जे.जे. थॉमसन ने की थी। आई थिंक मेरी आवाज आज ज्यादा इको कर रही है ना? आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिए। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है या फिर इको ज्यादा हो रहा है? इको तो ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ
एक सेकंड मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इको सही कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, करता हूँ मैं इसका इको का। ठीक है, अब कम आएगी को, अब थोड़ा ठीक हो गया वो पहले से। ठीक है नाउ, हाँ जी ये स्टार्ट करें, थोड़ा सा कम हो गया होगा अभी को। ठीक है, हाँ जी मेरे को लग रहा था इको आ रही होगी इसमें, मेरे को खुद को अपनी वॉइस से डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। कैनाल रेज प्रोटोन की डिस्कवरी में काम आई थी, ये नॉन मैकेनिकल, ये कैसी वेव से, मैकेनिकल वेव से, ये इलेक्ट्रॉन की में काम आया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कैनाल प्रोटोन में, कैनाल रेज में पॉजिटिव चार्ज दिखा था, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज दिखा था। मेरी बात को बस याद कर लीजिएगा, केमिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा हूँ फिजिक्स से, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अल्फा रेज जानते हैं आप, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। कैसी रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अब देखिए बीटा बीटा अल्फा बीटा, पर गामा नहीं है यहाँ पे, बीटा भी रेडियो एक्टिव होती है। गामा कहाँ है, गामा यहाँ है, गामा ये रहा, ये रहा गामा। ये कैसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे, साउंड वेव्स। बताया भी आपको मैंने, साउंड वेव्स कैसी होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, यांत्रिक होती हैं, और अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा वायलेट जो होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो कैसी होती हैं, नॉन मैकेनिकल होती हैं, यानी कि वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है, नेक्स्ट आ जाए, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, नहीं हो तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। पर ये सारी की सारी चीज जो बता रहा हूँ आपको, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स से दोनों से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए साउंड वेव्स में जितना लिख रहा है सब नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना है। साउंड वेव्स, साउंड वेव कैसे बनी, देखो साउंड का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे मैं ठक से मारता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और उसके ऊपर होती है हवा, वो उस पार्टिकल्स के साथ डिस्टर्ब होती है, ऐसे चलती है। पार्टिकल्स के थ्रू जो डिस्टरबेंस आता है वो हवा ही डिस्टर्ब होती है, वो वेव क्रिएट कर देती है, लेकिन वो किसकी वेव है, वो ध्वनि के द्वारा प्रोड्यूस हुई तरंग है। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हुई है, वो छन्ने से आपने जो मारा पार्टिकल्स को वो उछले। अब वो दो तरह से उछलते हैं, या तो ऐसे 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 उछलते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, या फिर ऐसे ऐसे चाहते हैं। जब वेव के पार्टिकल से, ये पार्टिकल का उछलना बता रहा हूँ, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है ना, पेंडुलम वाला है ना, उसमें भी दो तरीके से मोशन होता है पार्टिकल्स का, गैसियस पार्टिकल का, ऐसे जो सॉलिड होता है उसमें भी ऐसे होता है, लिक्विड में भी ऐसे होता है, और गैस में भी ऐसे होता है, वैक्यूम में नहीं होता है, वैक्यूम में होते ही नहीं पार्टिकल्स। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, जब ऐसे मोशन करेगी वेव, जो पार्टिकल ऐसे मोशन करेंगे, और वेव का जो मोशन है, हवा का जो वेव का मोशन है, वो भी इसी दिशा में है, तब लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। और जब ऐसे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, ज्यादातर जो डोमिनेंट मोशन ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, तब वो ट्रांसवर्स कहलाएगी। ये बात आपकी क्लियर कर चुका हूं मैं पहले ही, ठीक है ना। तो अब साउंड वेव कैसे बनी, ऐसे बनी, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, क्यों, क्योंकि साउंड वेव के अंदर ट्रांसवर्स मोशन भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी होता है। लेकिन प्रॉपरली बोला जाए तो साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इसमें जो इस तरह का मोशन होता है पार्टिकल का, इधर वाला, ये वाला मोशन जो होता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव है ना, वो ज्यादा रहता है। ट्रांसवर्स जो ऊपर नीचे उछलते हैं पार्टिकल्स, वो एक रेंज तक उछलते हैं, यानी कि यहां तक उछलते हैं, एम्पलीट्यूड इनका इतना रहता है, तो वो एक एम्पलीट्यूड के हिसाब से उछलते हैं, लेकिन ये मोशन ज्यादा रहता है ये वाला, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव बोलते हैं किसको, साउंड को। ठीक है, अब आ जाइए, साउंड वेव, हर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है रेंज, वो 20 हर्ट्ज से, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है म्यू, जो होता है इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन बोल लो, रोटेशन बोल लो या ऑसिलेशन बोल लो, अपॉन टाइम, यानी टाइम मतलब 1/2 सेकंड यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की।
है ना, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये सेकंड इन्वर्स भी इसकी यूनिट होती है और हर्ट्ज भी होती है। साउंड की दो यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है डेसिबल, और एक और होती है तीव्रता, हो गई एक डेसिबल होती है इसकी, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है आवृत्ति, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, इसको सेकंड इन्वर्स भी बोलते हैं। करेक्ट है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो सुन पाते हैं वो कैसी वेव्स होती है, ऑडिबल होती है, उसमें ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपनी रेंज में चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन रेंज चेंज होती है। रेंज मतलब 20 से 20,000 के बीच में चलती रहेगी, लेकिन इससे पार या इससे कम नहीं जाएगी, 20 से कम नहीं जाएगी, 20,000 से ज्यादा नहीं जाएगी। जब कोई ह्यूमन एयर से स्विमिंग पूल में कूदता है, लिक्विड में कूदता है, तो जो वो होता है माध्यम चेंज हो जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में साउंड ट्रेवल करती है, किसमें करती है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में करती है। जिसके पार्टिकल सबसे क्लोजर होते हैं उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है, किसकी, साउंड की, 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, 5130 मीटर पर सेकेंड, और 1500 अप्रोक्स मीटर पर सेकेंड इसमें होती है लिक्विड में, और इसमें कितनी होती है, थ्री, आपकी SSC के हिसाब से बताई जाती है कितनी, 343 मीटर पर सेकेंड, कितने, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, ठीक है ना, 1540 कर लो इसको चाहो तो SSC के हिसाब से। अभी जो ये बोल रहा है 20 से 20,000 के बीच में ऑडिबल होती है, लेस देन 20 हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंफ्रासोनिक वेव्स क्रिएट करती है, इंफ्रासोनिक वेव होती है वो, ठीक है ना, जो हाथी सुनता है, बैट सुनती है, डॉल्फिन सुनती है, वो वाली, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक कौन सी होती है, जो जब फ्रीक्वेंसी साउंड की ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स हो जाए, या बोल सकते हो इसको 20 किलो हर्ट्स, तब इसमें आती है। तो ये उसका केस है जो चमगादड़ सुनती है ना, यानी कि बैट, जो बैट्स होती हैं चमगादड़, वो इस फ्रीक्वेंसी को सुन पाती हैं, ठीक है ना, और माइट्स वगैरह ये सब सुन पाते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक मेन प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की सबसे मेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये क्या क्या होती है देखते हैं, चार जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। ये फॉर्मूला है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसके बारे में बताऊंगा। देखो वेवलेंथ क्या होती है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहां से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन, पार्टिकल पहले यहां रहते हैं रेस्ट पे, ये रेस्ट पोजिशन होती है पार्टिकल की, जब तक मारा नहीं गया उसको, स्ट्राइक नहीं किया गया किसी ऑब्जेक्ट को, जब स्ट्राइक करेंगे तो वेव क्रिएट होगी। अब सॉलिड को स्ट्राइक करो, चाहे लिक्विड को करो, चाहे गैस को करो, सब में वेव बनती है। सॉलिड में ज्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में उससे भी कम होती है। तो जब ऐसी ये वेव बनेगी तो हाईएस्ट पॉइंट, ये क्रेस्ट बोलते हैं इसको, क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट को, पीक पॉइंट जो होता है, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ होती है, वेव की लेंथ, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी मीटर। क्या यूनिट होगी, क्योंकि एक लेंथ है, मीटर होगी। तो ये फॉर्मूला जो बना है कैसे बना है, जो लेंथ होती है आप जानते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना पड़ता है, ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम करना पड़ता है ना। तो आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो, जैसे आप वेलोसिटी निकाल रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, इसमें वेलोसिटी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, लेमडा है, वेवलेंथ है, और जो एस है ये वेलोसिटी है साउंड वेव की, और जो टाइम है, अगर नहीं दे रखा है तो टाइम को अपन और क्या बोल सकते हैं, 1/μ बोल सकते हैं, क्योंकि तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही क्रिएट हुआ है, यानी अगर मैं इस वी को इधर ही रहने दूं और एक फॉर्मूला बनाऊं, वी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, बन गया फॉर्मूला, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, यानी वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, जो टाइम है वो 1/μ है। इस तरह से म्यू लैम्डा फॉर्मूला बन के आता है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस पर क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है ना, इस पर क्या आ जाते हैं सर, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स करके आई है, और ये वेव की वेलोसिटी यानी v, v बराबर म्यू लैम्डा होता है, ठीक है ना, आपने सुना भी होगा सी बराबर म्यू लेमडा, है ना, इसमें सी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में होता है। ये वी है, वी इतनी नहीं होती है, 3×10 की घात 8 मीटर पर सेकंड नहीं होती है। ये कैसी मैकेनिकल वेव्स हैं,
इसकी वैल्यू प्रॉपर निकल के आती है तो 343 मीटर पर सेकंड गैस में आती है, लिक्विड में आपकी 1540 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और सॉलिड में आपकी 5130 मीटर पर सेकंड आती है। इसको निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आइए, ये वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ, इससे पहले मैंने बताया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को देखते हैं। एम्पलीट्यूड होता है आयाम। क्या होता है एम्पलीट्यूड? हाँ, आयाम होता है। अब ये क्या होता है? मैक्सिमम, अधिकतम सकारात्मक विस्थापन, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट, कितनी ऊंचाई तक वेव जा रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ये एम्पलीट्यूड होता है बस, और कुछ नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है साउंड की, उस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस पे, है ना। यानी चिल्लाना, बस इतना ध्यान रखिए, अभी आगे आएगा बताता हूँ। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे करती है। इसका फॉर्मूला आपने देख लिया इधर, है ना, यहाँ देख लिया आपने, है ना। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी किस पे करती है? एक नया वर्ड बता रहा हूँ, पिच, पिच पर करती है। बस इसको भी याद रखिए, आगे इस पर डिस्कशन करना है पूरा। स्पीड, स्पीड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किस पे नहीं करती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? प्रेशर, याद रखिएगा। प्रेशर जो होता है, दाब, उससे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती है स्पीड। क्यों स्वतंत्र होती है? हाँ, रुक रहा है मेरा तो सही चल रहा है, देखो आप, अभी तो मेरा सही चल रहा है। हाँ जी, एक बार चेक कर लो आप थोड़ा सा, ठीक है, मेरा एकदम सही चल रहा है फिलहाल, ठीक है। हाँ यार, रुकना नहीं चाहिए। ऑल गुड, ओके, एक बार चेक कर लीजिए ना, है ना, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। तो अभी यहां तक अपने समझा स्पीड प्रेशर। स्पीड प्रेशर पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि अगर कोई बाइक की स्पीड देता है मान लो, और पीछे से किसी खली जैसे आदमी ने बाइक का पहिया उठा दिया, प्रेशर लगा दिया उस पर, या रोक दी बाइक, कोई बाइक चला रहा है आपके सामने और सामने से कोई खली जैसा महान आदमी आया, उसने रोक दी बाइक, स्पीड तो आप लगातार ही दे रहे हो, स्पीड तो लगातार ही दे रहे हो, स्पीड नहीं रुक रही है ना। यानी प्रेशर डालने पे स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो चुका है कई बार, आप उसको ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ के बारे में समझ में आया? वेवलेंथ ये लेंथ होती है जो दिखाई दी मैंने आपको, ये वाली लेंथ, ये वेवलेंथ है ना। एम्पलीट्यूड ये होता है जो दिख रहा है आपको, यहाँ तक का मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। फ्रीक्वेंसी पिच पे डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड डिपेंड किस पे नहीं करती है? वो होता है प्रेशर, है ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आइए। साउंड जो है, साउंड की स्पीड जो होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए डाला है। साउंड की स्पीड, स्पीड का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, अभी पढ़ाया अपन ने, है ना। तो ये जो वेलोसिटी होती है किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ना, तो देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जिस माध्यम से साउंड ट्रेवल करके जाएगी, उस माध्यम का जो नेचर होगा, यानी उसका जो स्टेट होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा, तरल होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, उस पर डिपेंड करेगी। हल्का ऑब्जेक्ट होगा, तरल होगा, तो स्पीड थोड़ी कम होगी सॉलिड से, और गैस होगा तो उसकी स्पीड कम होगी लिक्विड से। यही बोल रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द साउंड, याद रखिएगा पहला पॉइंट। और नेचर क्या है? सॉलिड, लेस इन लिक्विड, लीस्ट इन गैसेस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन, आयरन के अंदर जो, यानी सबसे सॉलिड जो होता है वो आयरन होता है, ऐसा माना जाता है ना। उसमें स्पीड क्या होती है? 5130 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन फिगर्स को ये आ जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है, हवा में, वो 344 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इन वाटर, पानी में कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड की जगह कभी कभी क्वेश्चन में 1530 मीटर पर सेकंड दे दे तो भी इसको कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉलिड्स में आपको बता दिया 5130 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, क्या चीज, क्या बात चल रही है मुझे बताओ। हाँ
दूसरा टॉपिक क्या आता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जो तापमान होता है माध्यम का उस पर क्या स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। तापमान जो होता है उस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, जी बिल्कुल करती है। ठीक है, कैसे करती है, देखो जब तापमान बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बढ़ जाती है, और तापमान घटाने पे स्पीड ऑफ साउंड घट जाती है। तापमान बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड घट जाती है। अब तापमान बढ़ाने पे स्पीड ऑफ साउंड कैसे घट जाती है, जब तापमान आप घटाते हैं, तापमान आप घटाते हैं तो क्या होता है, जो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो लेस डेंस। तापमान बढ़ाने पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक फ्लो मिल जाता है, क्योंकि एयर जो ट्रेवल करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर करती है ना, तो हाई टेम्परेचर से एयर चलना चालू होती है, वहां से स्पीड पकड़ती है और लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। इस तरह से तापमान जब बढ़ता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं, गैशियस पार्टिकल कह लो या सॉलिड कह लो, उसमें क्या आती है, फुर्ती आ जाती है, इलास्टिक नेचर बढ़ जाता है। इसका सीधा आंसर है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से तापमान बढ़ जाता है, इस वजह से जो गैसेस की वेलोसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, या स्पीड होती है। और अगर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो तापमान भी घट जाएगा और वेलोसिटी भी घट जाएगी, इतना ध्यान रखिए बस। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, यार स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है ना। और अगर आपको पता करना है तो एक बार चार्ट देख लो इसका, चार्ट, क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे को याद नहीं है, एग्जैक्ट जो उसकी फिगर होती है ना वो चार्ट में देख लेना एक बार, ठीक है ना। हाँ, सॉलिड में पूछा जाएगा, लिक्विड और गैसेस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला केस हो गया, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 332। ये बात ध्यान रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर नहीं होता है, 332, 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 344 होती है 20 डिग्री, ठीक है ना, ये रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, तीसरी चीज जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी ऑफ मीडियम, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं अभी, कि अगर ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, ह्यूमिडिटी, एक ऐसे क्वेश्चन मन में आ गया केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट है, अगर एटमॉस्फियर की जो ह्यूमिडिटी है वो अगर 100% हो जाए तो क्या इवेपोरेशन जो होता है लिक्विड का, उसकी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं, क्या वो बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा। हाँ, एवेपोरेशन बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा, ए बी सी, या फिर बोलो कि जीरो होगा ही नहीं। हाँ, क्या होगा सर, बताइए जरा इसका आंसर। अगर एवेपोरेशन करते हैं हम और आर्द्रता 100% है, अगर आपको आर्द्रता के बारे में पता है तो इसका आंसर आपको जरूर देना चाहिए। कंसेप्चुअल आंसर कौन देगा इसका, इंक्रीज बोला है निम्न, ठीक है। देखो यार, आर्द्रता का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वेपर्स, स्टीम भरना, पार्टिकल्स का क्लोज आना। तो ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ऐसे करके इंसान खड़ा है, और यहाँ पे जो ये कोई पानी गर्म कर रहा है, इसके अंदर पानी गर्म कर रहा है, लेकिन जो एटमोसफियर है, ये एटमोसफियर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल चिपक चिपक के, चिपक चिपक के, ऐसे डेंस, हाईली डेंस हो गए हैं। ये पूरा एरिया भरा हुआ है किससे, वाटर वेपर्स से। जब पूरा एरिया कवर अप होता है, एटमोसफियर कवर अप होता है वाटर वेपर्स से, तब बोला जाता है 100% ह्यूमिडिटी। तो अब इन वाटर वेपर्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि दोबारा से कोई वेपर एडजस्ट कर सके, इसलिए पानी जो है बॉयल होगा ही नहीं, यानी कि जीरो आपका क्या रहेगा, इवेपोरेशन रेट, ठीक है ना, जीरो हो जाएगा आपका इवेपोरेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुद्दे की बात पे आइए, जो हम पढ़ रहे थे, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी बढ़ती है ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो आपको बताया था, जितना पार्टिकल पास होगा उतनी स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, दूर होते हैं लिक्विड में तो थोड़ी कम होती है, गैस में और दूर होते तो और कम हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये तीनों एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, एक साथ ही बढ़ते हैं, एक साथ ही घटते हैं, ये अपन ने सीखा आज, ठीक है ना। इसमें
स्पीड ऑफ साउंड एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है या स्टील में? अच्छा, तो स्टील में होती है। इसका रिप्लाई मैं आपको कर देता हूँ किस तरह से होती है स्टील में। जो स्टील होती है ना, क्या नाम है, प्रवीण, ये तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, इसका लॉजिक होता है। स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होती है। और अभी मैंने बताया था इलास्टिसिटी डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे, ये भी बताया था। इसको अलग करिए, इलास्टिसिटी अगर सबसे ज्यादा स्टील की होती है, रबर से भी ज्यादा, रबर की भी नहीं होती इतनी इलास्टिसिटी जितनी स्टील की होती है। इलास्टिसिटी की वजह से जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो सबसे ज्यादा इसी में होती है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा इस वजह से इसमें होती है। मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ आपको, और जो फिगर्स मेरे पास हैं उसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो मैंने इसका आंसर बता दिया, ड्यू टू द इलास्टिक नेचर ऑफ द स्टील, ठीक है ना। आजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एज वी हियर इट, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है। अब देखो, लाउडनेस ऑफ पिच, सिंपल सी बात है, लाउडनेस मतलब कनेक्ट करो चिल्लाना, यानी मेल ग्रेटर देन फीमेल, याद रखना, चिल्लाता मेल ज्यादा तेज है, उसकी आवाज भारी होती है, भारीपन जो होता है ना वो मेल का ज्यादा होता है। और ये जो लाउडनेस होती है किस पे डिपेंड करती है सर, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, और लाउडनेस ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है ना। किसका मेजर होता है ये, साउंड एनर्जी रीचिंग पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी साउंड एनर्जी कान के अंदर आ रही है, ईयर के अंदर, ये होता है आपका लाउडनेस, है ना, ये होता है आपका लाउडनेस, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड पे। पिच क्या होती है, पिच से मतलब है यानी कि चीखना, यानी कि चीखना, बात समझेगा, पिच का मतलब होता है चीखना। पिच डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पे। अब पिच बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और चीखता कौन तेज है, फीमेल इज ग्रेटर देन मेल, ठीक है ना। फीमेल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मेल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। फीमेल की पिच बहुत ज्यादा होती है, मेल का लाउडनेस बहुत ज्यादा होता है। और जो फीमेल की वॉइस होती है वो कैसी होती है, श्रिल वॉइस होती है। जब पिच जिसकी ज्यादा होती है उसकी वॉइस होती है श्रिल, श्रिल का मतलब होता है छनकदार आवाज, क्या होता है, छनकदार आवाज, हाँ करेक्ट करेक्ट, श्रिल वॉइस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, छनकार छनकदार आवाज जो होती है फीमेल की ज्यादा होती है, तो पिच ज्यादा होती है उसकी, और उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है ना। आइए, ये क्वालिटी और टिम्बर, ये आखिरी प्रॉपर्टी है एक तरह से किसकी, साउंड की, क्वालिटी और टिम्बर, इस पे आ जाइए, देखते क्या है क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है, साउंड वेव की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताने में हेल्प करता है कि दो साउंड सेम लाउडनेस की, सेम पिच की हों तो पता कैसे लगाएं। तो क्वालिटी और टिम्बर होता है दो तरह के, है ना, किस क्वालिटी की साउंड है, यानी एक मेरा फ्रेंड यहाँ बैठा है, एक दूसरा यहाँ बैठा है, इनकी सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, मैं बैठा हूं कहीं यहाँ तीसरे नंबर पे, ये कमरे में बंद है, मुझे पता करना है इनकी क्वालिटी। मेरा दोस्त है सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा सेकंड वाला यहाँ से बोला, फर्स्ट वाला वहां से बोला। आपको पता चलती है चीज टोन और नोट से, इसके दो पार्ट्स होते हैं क्वालिटी के। जो क्वालिटी होती है साउंड की वो दो तरह से डिफाइन होती है, टोन और नोट से, किससे होती है, टोन और नोट से। टोन वो क्वालिटी की साउंड होती है, टोन इज दैट क्वालिटी ऑफ साउंड दैट हैज सिंगल फ्रीक्वेंसी, जिसकी जो आवृत्ति रहती है वो सिंगल रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। नोट वो क्वालिटी की साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, दैट हैज मल्टीपल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। आपको ये वर्ड बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज वाली कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला जाता है, उसको नोट बोला जाता है, टोन का अपोजिट, ये टोन होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी। हम बोलते हैं किस टोन में बात कर रहे हो, वो नेगेटिव वर्ड होता है एक तरह से, किस टोन में बात कर रहे हैं, लेकिन ये टोन जो है ये पॉजिटिव है, इसमें आदमी एक ही टोन में बात करता है सिंगल फ्रीक्वेंसी में। अब बार बार आवाज का आ ऊ आ आ, आ आ आ इस तरह की आवाज जो होती है, यानी कि क खा गा घा गा, बार बार आवाज बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, ये फ्रीक्वेंसीज होती है मल्टीपल, कैसे होती है मल्टीपल, समझ रहे हो, इसको नोट बोला जाता है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड होती है नोट। और सिंगल आवाज की आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और इसी वॉइस में बात कर रहा हूँ आपसे लगातार, ना ऊंचा बोला ना धीरे बोला, दिस इज टोन, ओके, हाँ ठीक है। तो ये क्या होता है, टोन होता है। रेजोनेंस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, जो
वाटर के प्रेशर के द्वारा जो आवाज प्रोड्यूस की जाती है, वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा जो आवाज प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज रेजोनेंस। वो रेजोनेंस होता है ना। इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है रेजोनेंस का, ये 11th का कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें इतना पूछेगा, आप इसके बारे में इतना जान लीजिए, वाटर की वो प्रॉपर्टी है कि वाटर के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करना इज रेजोनेंस, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पे। ये आपने देख लिया है सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है स्पीड, मिनिमम गैसेस में होती है, ये आपने देख लिया है। और ये मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे प्रेशर घटाओ, स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसको कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज रहती है। बाकी आपने ये सब देख ही लिया है। अब ये एक मुद्दे की बात आई, ये और देख लो, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ज्यादा ह्यूमिड होती है एयर में देन ड्राई एयर। नॉर्मल एयर जो होती है उसमें ज्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एयर में ज्यादा होती है बजाय ड्राई एयर के, ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, और वाटर वेपर्स क्या होते हैं? H2 होते हैं, और H2 एक तरह से लिक्विड ही होता है जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, तरंग दैर्ध्य वेव होती है, देखो बता देता हूँ, देख लो जल्दी से, देख लो, बता चुका हूँ वैसे तो, तुम बोल रहे हो तो बता देता हूँ। ये वेव होती है, वेव तो जानते हो इसको। अगर मैं तुमसे बोलूँ इस वेव को एक स्केल लेके, एक फोटा लेके इसकी लंबाई बताओ कितनी, तो क्या आप स्केल से इसको नाप सकते हो ऐसे करके पूरे को, वेव को यहां से लेके यहां तक स्केल से नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे ना। तो उन्होंने डिसाइड किया वे साउंड, ये वेव की प्रॉपर्टी में जाके, किसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये क्रेस्ट बोलते हैं इसको, अगली वाली जो पीरियोडिक वेव होगी इसका भी क्रेस्ट होगा, हाईएस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मान लिया जाता है वेव की लेंथ। इसे बोलते हैं वेव की लेंथ, इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, देखते हैं इको। इको के बारे में आपने सुना होगा, इको के बारे में सुना होगा, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स, और मान लो ऑब्जेक्ट, यानी बोल लो आप ऑब्जेक्ट बोल लो, रिफ्लेक्टर ऑब्जेक्ट बोल लो हम, सोर्स मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, अगर उसकी साउंड प्रोड्यूस हुई और जाके टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होके आई, रिफ्लेक्शन होके आई इधर, तो जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम इको होने के लिए, गूंज पैदा करने के लिए, गूंज को प्रोड्यूस करने के लिए, 17.2 मीटर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो जाना और आना होता है वो 17.2 × 2 होता है, यानी कि 34.4 मीटर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? 34.4 मीटर। ये कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो लैम्डा हो जाएगा इसका डिस्टेंस। वेव का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है, अपॉन टाइम है ना। हाँ नहीं, 17.2 मीटर है, एनसीईआरटी के आप देख लेना एक बार जाके, लैम्डा अपॉन टाइम होता है। टाइम को अपन क्या बोलते हैं? म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे नहीं, आपको पता है 344 ये होती है लैम्डा। अगर आपसे कोई पूछता है तो वो क्या है, लैम्डा क्या है आपका 2D है, और जो टाइम होता है वो गिवन होता है। इस फॉर्मूले से आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाती है 34.4 मीटर, ये ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस है। और जो नॉर्मल डिस्टेंस पूछेगा इको का वो क्या होगा? 17.2 मीटर होगा, ठीक है, ठीक है भैया। आओ, इको क्या होती है, इसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा मैं सर आपको, है ना, इसके जस्ट बाद, उसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन की वजह से जो रिपीटेशन होता है साउंड का, दोबारा सुनाई पड़ती है साउंड, वो इको होता है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी किसी भी चीज की निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी पास हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से वो होती है इंटेंसिटी। क्या होती है? यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट या पर सोर्स ऑफ टाइम, वो इंटेंसिटी होती है। यानी मैंने बोला एनर्जी अपॉन एरिया, ये बोल सकता हूं मैं, यानी इसकी यूनिट क्या बन गई? यूनिट आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी ऑफ पावर की बात करते हैं तो पावर की इंटेंसिटी में पावर अपॉन एरिया हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर की इंटेंसिटी की यूनिट क्या हुई? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आइए, पिच। पिच के बारे में बता दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है पिच से, यानी फीमेल इज ग्रेटर देन मैन पिच के केस में, है
ना, तो ये सब पिच बोलते हैं, जिसमें चीखना होता है, चिल्लाना नहीं होता। सोनार एक ऑब्जेक्ट होता है जो साउंड की मदद से नेविगेट करके डिस्टेंस पता करता है कि सामने वाला कितना दूर है ना। साउंड की मदद से एक रास्ता खोज के उसकी रेंजिंग करना, यानी उसका डिस्टेंस बताना, ये आपका सोनार होता है। एक सबमरीन पानी के अंदर यहाँ है, दुश्मन का सबमरीन, जो एनिमी है उसका सबमरीन यहाँ है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया का पनडुब्बी है। यहाँ से आप सोनार एपरेटस से जो रेज निकल के जाएंगी, वेव्स निकल के जाएंगी, साउंड वेव्स जाके टकराएंगी और लौट के आएंगी इधर, और यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये कितनी दूर है। तो साउंड वेव की मदद से आपने क्या किया, रास्ता खोजा, नेविगेट किया, और रिफ्लेक्ट होके वापस साउंड वेव आई, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सोनार हो गया, है ना। और ये क्या करता है, और जो समुद्र की कितनी गहराई है नीचे, वहां पे भी साउंड वेव भेज के पता लगा लेता है कितनी गहराई है। तो जो सी बेड होता है वहां से टकरा के भी आ जाती है वापस। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सी, ठीक है ना। और जो लोकेट द एनिमी सबमरीन, और जो एनिमीज का जो पनडुब्बी होता है उसको पता लगाने के लिए, और जो गहराई होती है समुद्र की वो पता लगाने के लिए काम आता है सोनार, ठीक है ना। इसकी आपने, हाँ अब देखो, ये है डोपलर्स इफेक्ट। डोपलर्स इफेक्ट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, ये क्या होता है, जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, म्यू वन म्यू टू, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। स्पीड किसी भी चीज की होती है, वेव की कोई भी स्पीड हो, वो अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। यानी अगर किसी पंखे ने 500 चक्कर लगाए, 500 बार पंखा घूमा, कितने मिनट में, 2 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 250 हर्ट्स होगी, ठीक है ना। अगर वही पंखा अब घूम रहा है 2 मिनट के अंदर कितना, 600 बार, तो उसकी स्पीड तो बढ़ी होगी ना, तभी तो 600 राउंड लगा दिए, तो स्पीड बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी भी 300 हो गई है। इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है तब स्पीड भी बढ़ती है, और स्पीड घटती है तो फ्रीक्वेंसी भी घटती है, ठीक है ना, यह आप ध्यान रखिएगा। हाँ ये बहुत अच्छा बता दिया उन्होंने, सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर साउंड वेव्स। देखो सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, जब दो वेव्स ओवरलैप कर जाती हैं, यानी ये वेव्स दोनों आके ऐसे मिली, ये जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट से वेव्स निकली और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, और किसी पॉइंट पे आके मिली, उस पॉइंट पे आके जब मिलते हैं उसे सुपर इम्पोजिशन बोला जाता है, सुपर इम्पोजिशन। और सुपर इम्पोजिशन वाले केस में एक सवाल उठता है कि अब क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसियों का क्या होगा, ये म्यू वन म्यू टू का क्या होगा। तो इसका आंसर देने के लिए डोपलर्स ने एक इफेक्ट डाला, उसने बोला अब फ्रीक्वेंसी में एक चेंज आएगा, वो भी कैसे आएगा, इंक्रीमेंट वाला चेंज, यानी बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी, देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी व्हेन इंटरफेरेंस हैपेंड, यानी सुपर इम्पोजिशन जब होगा तब इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस के बाद जो कॉमन फ्रीक्वेंसी बनेगी एक तरह से वो कैसी हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीज होती है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, समान रहती है, तो वो इंक्रीज हो जाती है। तो वही बोल रहा है ये जो है डोपलर इफेक्ट, कि सोर्स ऑफ साउंड और जो ऑब्जर्वर है उसकी जो एपेरेंट, एपेरेंट मतलब जो वास्तविक नहीं है, है ना, काल्पनिक जो आपकी बनी है ये काल्पनिक है ना, म्यू जो है काल्पनिक जो बनी है, दोनों से मिलके जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है जो सुनाई पड़ती है बाय द ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट बन के आएगी एक म्यू, और ये बढ़ जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। दिस फेनोमेना इज डोपलर्स इफेक्ट, तो इंटरफेरेंस को फॉलो करता है डोपलर्स इफेक्ट, ठीक है ना, इंटरफेरेंस को फॉलो करता है डोपलर्स इफेक्ट, ठीक है। मैं क्लास 11th में हूँ तो मैं इस वीडियो को देखूँ या नहीं, अगर आप क्लास 11th में हो, चैप्टर 12th में आता है साउंड, आप वीडियो देखने में तो मैं मना नहीं कर सकता यार, देख लो एक बार शायद कुछ समझ में आ जाए। वैसे आपका जो 11th क्लास में है वो साउंड चैप्टर तो है नहीं, बट अगर आपको 12th में पढ़ना है तो 12th के हिसाब से आप देख सकते हो, 12th में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर जाइए, अब आएगा आपका आखिरी रूटीन वर्क डेली का, अब आएगा आपको आंसर करने का टाइम। अब आपने जो पढ़ा है अभी तक उसके आपको एमसीक्यूज में लेके आ गया हूं, अब इसके अगर आपने आंसर कर दिए करेक्ट करेक्ट सबने, तो उसके बाद आपका साउंड का जो है एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कि आप साउंड में कितना जानते हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर करिए।
ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से। ठीक हाँ, ए आंसर आया शेफाली का। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स दी साउंड सिग्नल इनटू करंट सिग्नल। क्या ये सही आंसर है? निमिन आंसर दिया बी, करंट सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल। क्या ये सही आंसर है? और भी दीजिए भैया। अरे 11th में साउंड है? अच्छा, मेरे को कंफ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, 11th में होगा तो यार कभी कभी चैप्टर्स ध्यान ही नहीं रहते। 16 16 चैप्टर होते हैं कि क्लास में, पर 11th 12th में से एक में साउंड है और साउंड 9th में। ये 9th वाला साउंड चल रहा है प्रॉपर, जो इनके SSC में पूछा जाता है, NTPC और रेलवे में। ठीक है, सोनार। देखो इसका आंसर हो गया है बी, इलेक्ट्रिसिटी को साउंड के सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है कौन? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो होता है जो लगा होता है इधर, लगा के हम पढ़ाते भी हैं या फिर हम जब फोन पे बात करते हैं तो माइक्रोफोन लगा होता है, तो हम जो बोलते हैं, हाँ हम जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में जाता है और साउंड सिग्नल की फॉर्म में निकल के आता है। ठीक है, हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? बी आंसर होगा। ठीक है ना, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तुषार ने आंसर दिया सी, इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियंस। ठीक है ना, डेप्थ, एल्टीमीटर आंसर नहीं होगा तुषार। डेप्थ ऑफ ओशियंस यानी समुद्रों की या ओशियन से गहराई बतानी है, तो इसका आंसर क्या होगा? सोनार होगा। इसका आंसर सोनार होगा। ठीक है ना, एल्टीमीटर क्या होता है? वो एल्टीट्यूड्स बताता है, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एरोप्लेन उठते हैं कितनी हाइट उड़ रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टिपिकली, अल्ट्रासाउंड वेव की जो आवृत्ति होती है वो टिपिकली कितनी होती है इनमें से? आंसर बताइए। 20 किलो हर्ट्स। हाँ, पैदोमीटर। ठीक है ना, सही है, डेप्थ ऑफ ओशियंस का पैदोमीटर भी होता है। ठीक है ना, हाँ भाई, इसका क्या आंसर होगा? अच्छा, कोई बात नहीं, अबव 20,000 किलोवाट्स आंसर दिया है। अच्छा, 20,000 किलो हर्ट्स, 20,000 में भी 1,000 का इंटू करेंगे। देखो इसका आंसर होगा अबव 20 किलो हर्ट्स। ए, जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो आंसर करेक्ट है, तो ये निम्मी अपना आंसर करेक्ट कर लो प्लीज। ठीक है ना, 20,000 हर्ट्स को ही बोलते हैं 20 किलो हर्ट्स। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज कर रहा है बस ये। व्हेन अ वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क इस प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक वाइब्रेट करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट आपने टेबल पर रख दिया, ये समझो। कह रहा है अ लाउड साउंड इज हर्ड, एक बहुत तेज आवाज आती है उसमें से, आती है ना, वाइब्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट आप टेबल पर रख दोगे, टेबल पे आवाज आएगी बहुत तेज। ये किस वजह से होता है? परावर्तन की वजह से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोर्स्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड वाइब्रेशन? अच्छा, हाँ, इसका आंसर क्या हो सकता है सर? अरे टेबल पे मैंने वाइब्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इसका आंसर क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन की वजह से आवाज आती है तेज, ये तो बिल्कुल गलत है पहला तो, है ना, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है उसमें। रिफ्रैक्शन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को कहते हैं, इन दोनों में से एक हो सकता है। देखो डैम्प्ड वाइब्रेशन जो होते हैं, डैम्पिंग वो व्हीकल्स में होती है, जब शॉकर्स दबते हैं ना वो डैम्पिंग होती है ना, वो वाला केस ये है ही नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। ये होता है फोर्स्ड वाइब्रेशंस, बिना किसी शॉकर्स दबे डायरेक्ट आपने उस पर रख दिया वाइब्रेट, वाइब्रेट करता हुआ ऑब्जेक्ट और वो आवाज करेगा बहुत तेज। अगर व्हीकल में शॉकर्स ना हो तो व्हीकल गड्ढे में गिरेगा तो आवाज कितनी तेज करेगा? उस टाइम पे वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा व्हीकल के अंदर, मोटरसाइकिल स्कूटर के अंदर, लेकिन जब आप शॉकर्स लगा देते हो तो वो डैम्पिंग चालू हो जाती है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसका आंसर हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसमें होती है? वाटर, एयर, ग्लास, ग्लिसरीन, किसमें होती है सर? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड किसमें होगी? बिल्कुल सही, ग्लास में होगी। वाटर, एयर, ग्लिसरीन, देखिए वो भी लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, एयर आपकी गैस होती है, तो ग्लास में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी। नेक्स्ट पाजी, नॉइज इज मेजर्ड इन, नॉइज जो होती है वो किसमें मेजर की जाती है? नॉइज मतलब साउंड ही होता है, ठीक है, नॉइज मतलब साउंड ही होता है, किसमें मेजर की जाएगी? वॉट में, रैम में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में?
डेसिबल में की जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग वही होती है कि जो एक व्हीकल होता है उसके बीच में जो उसकी एक्सेसरी होती है, उसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, उनके बीच में एक स्पेस दिया जाता है। स्पेस अगर चिपका के लगा देंगे ना, शॉकर्स, शॉकर्स होंगे ही नहीं, चिपका के लगा देंगे पार्ट्स को आप, तो जो गड्ढे में बाइक गिर जाती है, गड्ढों से टकराती निकलती है, ऊपर नीचे रास्तों पर चलती है, तो वो टकरा टकरा के टूट जाएंगे, तो उसके बीच में एक स्पेस दिया जाता है डैम्पिंग वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, इससे समझिएगा बस। इसका आंसर हो गया डेसिबल। नेक्स्ट पर जाइए, डेसिबल इज द इंटेंसिटी, यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ध्वनि की तीव्रता की यूनिट होती है, क्या होती है, डेसिबल। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ इनमें से किसकी वॉइस की सबसे कम म्यू होगी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमन, सबसे कम किसकी होगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच पे, किस पे करती है, पिच पे करती है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। आपने आंसर किया, एक ने सी किया है, एक ने ए किया है, ए आंसर किया है और सी किया है। अरे यार मैंने तुम्हें बताया था फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होगी, जिसकी लाउडनेस सबसे ज्यादा होगी, यही बताया था ना, और लाउडनेस सबसे ज्यादा होती है मैन की और बॉय की, गर्ल से ज्यादा, लेकिन मैन की बॉय से भी ज्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सही है, जिन्होंने सी आंसर दिया है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। द साउंड्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स आर नोन एज, इस साउंड को क्या बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स होती है, इसको बोलते हैं आपकी ऑडिबल साउंड्स। ये अपन पढ़ चुके हैं, इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट पर जाइए। ठीक है ना, हाँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी किस तरह से बिहेव करती है, इन केसेस में घटती है तापमान के साथ में, बढ़ती है तापमान के साथ में, बढ़ती है, और फिर तापमान जब बढ़ता है तो घटता है, बढ़ता है तो ये घटती है, ये जब बढ़ती है तो तापमान घटता है, डिपेंड ही नहीं करती टेम्परेचर पे, ये गलत है, जब ये घटती है तो टेम्परेचर में भी घटता है। क्या आंसर होगा इसका, जब स्पीड जो होती है, वेलोसिटी होती है, ये जब घटती है तो टेम्परेचर भी तो घटेगा, तो कंफ्यूजिंग दे रखा है ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर है ये घटेगा तो घटेगा, इंक्रीज और इंक्रीज भी होते तो भी आंसर सही होता, डिक्रीज डिक्रीज होगा तो भी आंसर सही है, इस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाइए, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ अ साउंड वेव, हाँ दो कंसेक्यूटिव जो कंप्रेशंस होते हैं जब साउंड वेव आपस में पार्टिकल्स पास पास आते हैं, यानी ये वाली कंडीशन जो होती है कंप्रेशन वाली, जब वेव्स दोबारा लौट के इधर जाएंगी तो ये रेयरफेक्शन होता है, यानी दूर दूर हो जाएंगे, है ना, तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का मतलब ये होता है साउंड वेव का, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेव लेंथ, 100% सही। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द साउंड कैन नॉट ट्रेवल, इनमें से साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर पाती है, तो साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर पाती है, हाँ साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर पाती है, हाँ वैक्यूम में नहीं कर पाती है। ठीक है, किस में नहीं कर पाती है, वैक्यूम में नहीं कर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी आंसर है इसका। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच ऑफ अ साउंड, पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, पहला ही आंसर मिल गया अपन को, क्या आंसर होता है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, ये आंसर होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी होती है हायर पिच नहीं होती, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ जी क्या बोलते हैं इसको, ये है एक वेव, ये एक वेव है, ये कह रहा है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस, कहां तक डिस्टर्ब हुई है,
ये वाली बात हो गई, यहां तक डिस्टर्ब हुई है। इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू है इसकी एक ये साइड एक ये साइड में, कहां तक डिस्टर्ब हुई है, इसको अपन क्या बोलेंगे? हां जी, इसको क्या बोलेंगे अपन? एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है क्लियरली, ठीक है ना। क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड, आयाम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव, इनमें से कौन स्पीड ऑफ साउंड वेव को रिप्रेजेंट करता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस होता है वेव के केस में लैम्डा, ठीक है ना, और टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा यानी म्यू लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होगा, किस किसने आंसर दे दिया? हाँ, फ्रीक्वेंसी टू नहीं होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा पहला ही आंसर होगा। बताया तो था मैंने आपको, स्पीड जो होती है साउंड की किसके बराबर होती है? म्यू लैम्डा के बराबर ही तो होती है, ठीक है। लैम्डा पॉइंट टी बोल लो या म्यू लैम्डा बोल लो, लैम्डा पॉइंट टी बोल लो या म्यू लैम्डा बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। इसका ए आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड नोन एज, हाँ, रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर, जो ईयर रिस्पॉन्स देता है साउंड का, उसके माप को क्या बोलते हैं? पिच, इंटेंसिटी, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, कौन बताएगा? मैंने पढ़ाते समय बताया था आप लोगों को, पढ़ाते समय इस चैप्टर की थ्योरी अभी जो पढ़ा रहा था उसमें बताया था, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, एक पिच क्यों बोलेंगे इसको? मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ईयर, जो कान रिस्पॉन्स देता है वो आपकी क्या होती है? लाउडनेस को देता है। सर, क्या आंसर होगा इसका? लाउडनेस आंसर होगा, ठीक है ना, बस माप बताता है उसका, रिस्पॉन्स है ये। ये इंटेंसिटी कहाँ से होगा? क्योंकि इस इंटेंसिटी में एरिया आ जाता है पूरा, जो पास होता है किसी एरिया से वो इंटेंसिटी होता है। इसका आंसर होगा लाउडनेस। आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, तापमान के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होता है? ये इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, हाँ जी, क्या असर होता है? ठीक है, इट मे और मे नॉट इंक्रीज, क्या असर होता है जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, 100% सही है, इंक्रीज ही करेगी, ठीक है ना, 100% इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड, ये सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा स्पीड होती है सुपरसोनिक स्पीड जो होती है, बहुत ज्यादा, जिस स्पीड से एरोप्लेन्स वगैरह ऊपर जाते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, तो क्या होती है वो, कब गेन होती है अपन को सुपरसोनिक स्पीड, वो कब गेन होती है? वो गेन तब होती है सुपरसोनिक स्पीड यानी साउंड की बहुत खतरनाक स्पीड, बहुत एनर्जी जिसमें निकलती है, अगर उसके आसपास कांच हो तो कांच टूट जाए, ऐसी स्पीड होती है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड उस ऑब्जेक्ट की हो जाए, वो जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड उसी की साउंड से ज्यादा हो जाए, तो वो सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। तो ये होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये एक फॉर्मूला होता है। सुपरसोनिक स्पीड होता है जब एस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एस साउंड हो जाती है, तो हो गया सुपरसोनिक स्पीड। ये फॉर्मूला जो होता है ये आपको देता है एक क्वांटिटी जिसे बोलते हैं मैक नंबर, क्या बोलते हैं? मैक नंबर, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे? मैक नंबर, ठीक है। तो जब स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होती है, तब मैक नंबर की वैल्यू 1 होती है, मैक नंबर M1 कहलाता है, याद रखिएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगी तो दोनों कट जाएंगे, ये क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा, तो मैक नंबर कहलाता है 1 उस केस में, है? अब मैक नंबर मोर देन 1 होता है तो 2 हो जाता है या 3 हो जाता है, तीन मैक नंबर होते हैं। 2 कब हो जाता है? जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट साउंड से डबल हो जाए, यानी कि साउंड की स्पीड जो है वो बराबर हो जाए, डबल साउंड की स्पीड बराबर हो जाए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी 2SS/SS कर लीजिए, यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दोगुनी हो जाए, 2 times हो जाए साउंड की स्पीड से, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जब ट्रिपल हो जाए तब आपका M3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई मैक नंबर के, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा इस मैक नंबर में, लास्ट ये भी अपने आप में डिफिकल्ट लेवल का होता है, लेकिन ये 3 चीजों में पूछा जाता है, इसमें मैंने आपको 3 चीज बता दी, ठीक है। हाँ जी सर, नेक्स्ट पे जाइए,
व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस? हाँ, पर वो नहीं पूछेगा भावना, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस? हाँ, क्या आंसर होगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? हाँ, सी सी बता रहे हो, 344 मीटर पर सेकंड बता रहे हो। मैं पढ़ाया है आपको ये, आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब मेरा सिर्फ एमसीक्यूज करने आते हो क्या? थ्योरी भी देखा करो थोड़ी सी यार, थ्योरी भी पढ़ लिया करो हमारी थोड़ी सी, ठीक है? ए कौन दे रहा है यार? ए तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये तो होगा ही नहीं। 344 होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 331 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर हो गया 331 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर हो गया? डी, 331 मीटर पर सेकेंड। तापमान देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? आज के एमसीक्यूज और जो थ्योरी में अपन ने काफी कुछ किया, बहुत सारा, देखिए जो अभी ज्वाइन किया है वो देख सकते हैं, मैंने सारा का सारा जितना भी साउंड के अंदर प्रॉपर बन सकता है वो पूरा बना के ले लिया है। इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में लेकर आता रहूंगा, थ्योरी देखिएगा एक बार, शायद आपको कुछ प्रॉफिट मिले इसे देखने से। और कीप स्टडीइंग एट योर होम, जल्दी एग्जाम आएंगे आपके, जल्दी रिलीज होगा नोटिफिकेशन है CHSL का, NTPC का। मैं ऐसी तैयारी कराता रहूंगा आप लोगों की, आइए ज्वाइन कीजिए रोज। और आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, काफी टाइम हो गया है और साउंड क्लियर हो गया अपना, जितना मोस्ट जितना कर सकता था मैंने उतना क्लियर किया आपको, और एमसीक्यूज भी ले लिए कुछ अच्छे, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।